जोहार दादा। जोहार 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 जोहार। तो मोर नाम है के सुखदेव सिंह दादा, और मोर घर है के तोरपा। तो दादा तोर बटक परिचय। तो मोर नाम तो शिव नारायण सिंह है। अच्छा। और हमर गांव गुफू है के। गुफू। और तो हमरे मन 5-6 जन है एक परिवार में। अच्छा। और हमरे मन तो केठो धंधा है। अच्छा। खेती बाड़ी में आश्रित रहिला। अच्छा। हमरे जून लागल रहिला खेते मने। अच्छा। खेती बाड़ी से आश्रित है। हाँ। और एखन देखू ये दाड़ मने मकई रोपे ले तैयारी करथी करथी। अच्छा। दादा खेत कर तैयारी तो कहली, तो कते बार जोताई कई रही दादा? खेत के तो बढ़िया सी के जोताई जोते के ले 3-4 धाव जोते खोला। अच्छा। 3-4 बेर जोताई करे कर बाद में। अच्छा। रोपे से कोई चीज के लगाए से पहले। हाँ हाँ। हमरे मन के आखिरी जे जोत कहिला। हाँ हाँ हाँ। उकर में जे भी हमर खाद होला। अच्छा। सारा खाद के छीट के हमरे इकर जोताई कर देला और पटा मार के अपन लेवल बनाए के मने छीट देला। सम कर दे। सम कर दे। अच्छा। का का खाद दही दादा? गोबर होलक, DAP होलक, यूरिया, पोटास, सब के माने जे भी कर में जरूरत है सब के डाल दे। अच्छा। माने सब खाद के मिलाए दे। या। तो दादा जे यूरिया DAP पोटास जे कहली सेकर कतई कतई मात्रा में देली दादा? देखो ये तो मात्रा तो है। अच्छा। इकर जैसे कि मोर जमीन जगन लागत है और एकर 50 डिसमिल है। अच्छा। टोटल में। हाँ। तो इकर में गोबर में डाल दो। अच्छा। मने आगे गोबर के डाल दे। हाँ। उकर बाद DAP होलक। DAP में टोटल में 10 किलो। अच्छा। 10 किलो DAP। DAP फिर यूरिया होलक रोरे कर उके 10 किलो डाल दे। अच्छा। और पोटास जो होला उके उके से कम दे पड़ेला इके 5 किलो। अच्छा। मने पोटास 5 किलो पर कम देखल छे। तो ये 50 डिसमिल कर मात्रा है करोड़े। दादा ये देखा था महिया तो बलवाही टाइप दिखा थे, तो मकई रोपे के लिए कैसन माटी टाँड कर जरूरत है? देखो दादा कैसन है मकई खेती तो सोखे जगन होला। अच्छा। ये तो बलवाही खेत दिशत है। हाँ हाँ। तो इकर में भी उपज होला लेकिन इकर में तनी कि खाद कर मात्रा के बढ़ाए। अच्छा। मने खाद ज्यादा लागे ला। ठीक। तो इकर ले मकई ले तो उत्तम तो हमरे कर देखिला उपज जैसन देला। हाँ। से हिसाब से। हाँ। कि लाल मिट्टी में इकर उपज अच्छा देवे। अच्छा देला। हाँ। हल तो दादा कोनो खेत में मने मकई कर खेती हो सकेला? हाँ दादा देखू मकई तो सब खेत में भी हो सकेला। अच्छा। लेकिन जिकर सिंचाई और जे बरसात में करेला उकरे में तनिक अंतर है। तो एखन हमरे बरसात में के तो लगा थी। अच्छा। तो इकर ले हमरे कर जमीन हमरे के एकदम ढलान चाहिए। तो वो काले दादा? तो ऐसा है अगर मकई खेत ढलान नहीं रही मकई उपज में भी कम हो जाए। अच्छा। और मकई में जे जैसे कि पानी यहाँ जमी तो मकई में का कहें मरे कर भी सिकेता जाए। अच्छा। मोर भी सके। मोर भी सकेला से ले उ खेत में पानी के नहीं जमे के चाहिए। मने पानी डांट निकल जाए चाहिए खेत निकल जाए पानी डांट से है नहीं। खेत तो तैयार हो गया दादा, तो आप का करब? एखन तो मई के हर से लाइन बनाम। अच्छा। तो एखन इके अब हिने जमीन का ढलान है तो सेले लाइन निशन से मुके बनाए के माने हिने से हुने खींचना है ताकि यहाँ से निकल जाए पानी। पानी इके दर बनाए खोई। अच्छा। तो दर बनाए खोई तो दर बना ले पानी तो निकल जाए। हाँ हाँ हाँ। तो दादा कतई दूरी में खींचीला था? इकर नाप है दादा 2 फीट। अच्छा। 2 फीट। हाँ। इके ऐसा नापते जाइला ताकि मार ली
के फिर यहाँ छोड़ रख ली। अच्छा। चली है दागी में हमरे अंदाज से सीधा करके खींचते जाइला। अच्छा उस हाँ। दो फीट जा नाप के खींचते हाँ। सीधा लेवे के लिए नाप देवीला। अच्छा अभी पूरा सीधा हो गया। बाबा रे बाबा हमनी के दार बना के में एखन तो ऐसन खींच देली दादा 3 लाख सोच दिशा थे एकदम पूरा तरीका से पानी निकासी करे में भी हमरे के दिक्कत नहीं हो माने ऐसन रहिहल ना निकासी एकदम सड़सड़ा एक सब पानी आ जाए ने। हां कर्ष नाइफ के हर खींचे खाए ने तो दादा लाइन तो खींच ही रहा ली तो अब इकर में क्या कर आप मकई गिराए खा दादा। अच्छा मकई गिराए खा ये देखिए है मकई है क्या कौन मकई है क्या दादा ये रोरे का रही हाइब्रिड किस्म है क्या। अच्छा हाइब्रिड किस्म है पानी कर उपज बेसी देवेला कतई दूरी में पौधा के लगा दादा इकर पौधा से पौधा कर दूरी देवे खेला। अच्छा तो इके रोरे के कहानी और बताओ तो हमरे मन के देखो देहाती नाप। अच्छा जान ली नहीं तो ई हो गेलक करीब करीब करबे का 10-12 इंच 12 इंच 10-12 इंच हाँ माने 1 फीट लगभग हाँ 1 फीट तो इके देखो नी जानन से मन के हमरे मन ईसन करके बताए दईला माने हाँ नाइप के हर ओके गिराते जाए। अच्छा ओकर बाद जेकर अंदाज हो जाएला उके तो इसनो हो गिराए देला हमरे मन अंदाज से। अच्छा अंदाज से माने 1 फीट हो ये जात है कहो। हाँ 1 फीट कर अंदाज से के गिराए गिराते जाए खाए। ये देखो दादा इसने नाप से ही के गिराते जाए खाए। अच्छा। और कोनो जाने के नखे इकर में हम बच्चा वाला इकर में अंदाज से 1 फीट में गिराते जाए खाए। तो दादा लाइन के तो 2 फीट कहली और पौधा से पौधा की दूरी 1 फीट कहली है नी तो इकर माने गहराई कितना होक चाहिए। हाँ तो ये बीज के उतने मनक में गिराए चाहिए जितना में कि एक जन्मे में सहूलियत हो। अच्छा। तो ये देखो ये करीब करीब 1.5 इंच के तोपा तो इकर जन्मेशन बढ़िया होवेला। अच्छा तो इके अंदाज लगा कि कर लाइन के तनी कन वही हिसाब से अपन अंदाज से खींचे खोल जेकर से कि 1.5-2 इंच ही गड्ढा हो गड्ढा हो का तो उतना गहरा में इके तोप देना है। हाँ हले अच्छा जन्मेशन है। अच्छा जन्मेशन है। अच्छा ये देखो दादा है पटा से इके प्लेन कर रखा है इके तोपे खाए लाइन के। अच्छा इकरे से तो पिला। हाँ इकर से तोपते जाए खाए। हाँ इकर से ईसन हाथ से तोपोल से इकर में ये है कि ये अपन वाजिब भेर कर तोपाई। अच्छा न कम बेसी अब बेसी तो पाए के लखल तो नियो करी। हाँ ऊपर खराब होए का डर रहे ना। अच्छा बहुत अच्छा एकदम तो पात है दादा। हाँ इकर से हाथ से खींचल से है फायदा है इकर में ठीक भेर कर मने मिट्टी गिरते जाते जे लाइन खींच ली ऊपर से मिट्टी ही ने हुने टराए रहे तो हाथ से जब पटरा से खींचे थी लाइन में गिरते जाते। हाँ मने जितना वो लाइन बना रहे उतने माटी ही हुआ जाते। दादा इतना अच्छा समय निकला है के मकई रोपे कर बारे में रौरे बताली मौके तो अच्छा लागलक। हमरे तो देखू आगे मकई के इसने रोप देत रही इसने बुन देत रही लेकिन रौरे जे बताली वैज्ञानिक तरीका से बहुत अच्छा से बताली कर ले
कोई चीज कर पैदावार तो बढ़बे करे हाँ, हाँ, तरीका से करे हमरे मन करीला और यह जानकारी हमरे मन के अच्छा किसान मन से मिल है। अच्छा 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 हाँ तो हमरे मन इस तरीका के हमरे मन जान ली है रेखन हमरे मन के भी ज्यादा तनी फायदा होते। अच्छा तो दादा इतना कुछ बता ली तो इकले रौरे के धन्यवाद हो। लाए तब जो है जात हो। ठीक है।